अयोध्या से आए अक्षत कलश का प्रत्येक गांव में पूजन कर कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार के दिन बागली के ग्राम मकड़िया में सभी ग्रामीणों द्वारा अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण सम्मिलित हुए। सभी युवक युवतियां साफा बांध हाथों में श्री राम का ध्वज लेकर भजनों पर झूमते हुए नजर आए। पालकी में अक्षत कलश को रख कर गाँव का भ्रमण कराया गया। इस दौरान प्रत्येक गाँव के सामने महिलाओं द्वारा अक्षत कलश का पूजन किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी सम्मिलित हुई, जो कि अपने सर पर कलश रख कर ढोल धमाके पर झूमते गाते हुए यात्रा में चल रही थी। कलश यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से गुजरी। इस दौरान जगह जगह पर प्रत्येक घर के आंगन में रंगोली बनाकर यात्रा का स्वागत किया। सभी ग्रामीणों के सहयोग से यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान चापड़ा निवासी कार सेवक राम नारायण यादव एवं संघ जिला कार्यवाह धर्मेंद्र सिंधव का ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।